अब जैसे कोई सॉलिड है, सॉलिड में इधर तो ये तो क्या होती है, लेंथ होती है, ये ब्रेड्थ होती है और ये हाइट होती है। और ये सॉलिड के अंदर जो सरफेस होता है उसके जो किनारे होती है, ये एजेस जो होती है, इनको क्या कहते हैं, किनारे, एजेस, ये क्या होती है, लाइन होती है। ये लाइन है ना, ये एजेस, किनारे जो है क्या है, लाइन है। तो हाइट, लेंथ, ब्रेड्थ थ्री डायमेंशन होते हैं, लेकिन प्लेन सरफेस में क्या होता है, सिर्फ लेंथ और ब्रेड्थ होती है प्लेन सरफेस में। लाइन के अंदर क्या होती है, ब्रेड्थ नहीं होती है, क्या होती है, ओनली लेंथ होती है। और पॉइंट में क्या होता है, पॉइंट के अंदर नो डायमेंशन, ना तो लेंथ होती है, ना ब्रेड्थ होती है, ना हाइट होती है, कोई भी डायमेंशन नहीं होगा, ठीक है। तो 23 एलिमेंट्स हैं इसके, यूक्लिड्स के, लेकिन 7 एलिमेंट्स अपने को कोर्स वाइज याद कर लेने हैं। कौन सा है, अ पॉइंट इज दैट विच हैज़ नो पार्ट। पॉइंट क्या है, जिसके कोई भी पार्ट नहीं हो, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट नहीं हो, ठीक है। अ लाइन इज द ब्रेड्थ लेस लेंथ, जिसकी कोई ब्रेड्थ नहीं हो, ये लाइन अपन ने पढ़ी थी, इसकी चौड़ाई नहीं होती है, सिर्फ लेंथ होती है। द एंड्स ऑफ अ लाइन आर पॉइंट्स, एंड्स ऑफ लाइन्स आर पॉइंट्स, ये याद कर लेना। स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। मतलब देखो ये पॉइंट्स हैं, मैं इनके बीच में फिर और पॉइंट्स बना देता हूँ, फिर इनके बीच में और पॉइंट्स बना देता हूँ, ये पॉइंट्स बना दिए मैंने, फिर इनके बीच में भी कोई जगह रह गई हो तो इनके बीच में भी पॉइंट्स बना देता हूँ, तो ये क्या बन गई, क्या बन गया, ये स्ट्रेट लाइन बन गई, ठीक है। ये थोड़ा सा हाथ से नहीं हो पाया, लेकिन अगर अपन देखेंगे तो ये वास्तव में एक लाइन। स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ, ठीक है। अ सरफेस इज दैट विच हैज़ लेंथ एंड ब्रेड्थ ओनली। सरफेस जो है इसमें सिर्फ लेंथ और ब्रेड्थ होगी, हाइट नहीं होगी इसमें, ये ध्यान में रखना। पॉइंट क्या कह रहा है, एजेस ऑफ अ सरफेस आर लाइंस। अभी अपन ने देखा ये सरफेस है इसकी, ये किनारे हैं, क्या है ये, लाइन है, ये एजेस, ये क्या है, एजेस है, ये क्या है, लाइन है। अ प्लेन सरफेस इज अ सरफेस विच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइंस ऑन इटसेल्फ। इसके ऊपर जैसे प्लेन सरफेस है, इसके ऊपर स्ट्रेट लाइन खींच सकते हैं इवनली, यों यों भी और यों भी, ठीक है। ये प्लेन सरफेस है, इसके ऊपर हम कहीं से भी लाइन खींच सकते हैं, यों यों, स्ट्रेट लाइन, इवनली मतलब सीधी सीधी। ये तो कुछ एलिमेंट्स जिनको हमको प्रूव नहीं करना है, ये आपके पेज नंबर 80 के ऊपर है बुक की, जो एनसीईआरटी की बुक है उसके पेज नंबर 80 के ऊपर ये लिखे हुए हैं, ये सारे के सारे पॉइंट्स ध्यान में रख लेने, ठीक है। यूक्लिड्स ने कुछ पोस्टुलेट्स और एग्जियम्स, उनको पोस्टुलेट्स को एग्जियम्स भी कहते हैं। पोस्टुलेट्स का मतलब ऐसा होता है कि उनको जिनको प्रूव नहीं करना है, जिनको प्रूव नहीं करना है, ठीक है। तो इसने जो पोस्टुलेट्स थे उसको क्या नाम दिया, एग्जियम्स भी कहते हैं। तो यूक्लिड्स एग्जियम्स हैं ये, जिनको नॉट इन हिज ऑर्डर आर गिवन बिलो, ठीक है। तो इसके अंदर थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, पहला पॉइंट क्या है, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, पहला पॉइंट ये याद कर लेने का है। ए किसके बराबर है, बी के बराबर, और ये वाला ए किसके बराबर है, सी के बराबर, ये दोनों आपस में बराबर हैं, ये बी भी ए के बराबर है, सी भी ए के बराबर है, दोनों सेम थिंग्स के बराबर हैं, तो ये बी इज इक्वल टू सी होगा। जैसे 1+8 इज इक्वल टू 9 है और 6+3 इज इक्वल टू भी 9 है, तो हम 1+8 इज इक्वल टू 6+3, यानी ये दोनों इसके बराबर है, तो ये आपस में भी क्या हो गए, बराबर। तो पहला ये कह रहा है एग्जाम्स, क्या कह रहा है, इफ़ एंड इक्वल है आर एडेड टू इक्वल्स द होल आर इक्वल, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल आर इक्वल, ये दोनों इक्वल हैं, इसके अंदर में 4 इधर भी ऐड कर देता हूँ, दोनों इक्वल में 4 ऐड कर देता हूँ, तो भी दोनों तरफ क्या रहेगा, इक्वल ही रहेगा, 7+2 और 6+3 इक्वल थे, इनमें मैंने 4 और ऐड कर दिया तो भी ये क्या आपस में इक्वल, तो इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, दोनों तरफ इक्वल ऐड कर दिए, 7+2 9, ये भी 9 है, लेकिन इधर 7+2+4 9+4 13, तो ये दोनों तरफ क्या आ गए, 13, दोनों इक्वल आ गए। 6+3 और 7+2 इक्वल हैं, दोनों 9 है, दोनों में से इक्वल को मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ दोनों में, तो ये कितना हो जाएगा, 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट किए 7, और इधर भी 2 किए तो ये 7, यानी कि इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स देन रिजल्ट इज इक्वल। ये थर्ड एग्जांपल है, दो शेप हैं। कोइंसाइड का मतलब क्या होता है, अब जैसे ये है, अब इसके नीचे क्या है, ये दूसरा है, यानी कि मैंने इसके ऊपर ये रख दिया, कोइंसाइड का मतलब है कि इसके ऊपर रखते ही नीचे वाला छिप गया,
अच्छा इसको मैंने पलट भी दिया, अगर मैं पलट भी देता हूँ इसको, इसको उल्टा भी कर देता हूँ यूँ, ये हिस्सा कर दिया मैंने यूँ कर दिया बिल्कुल एकदम से जैसे ये कर दिया, दूसरे को भी मैंने रख इस तरीके से दूसरी तरफ से, यानी दोनों तरफ से रख दिया, इधर से और इधर से। तो मैंने इसको यूँ रखा था, सीधा भी रखा था और उल्टा भी रखा था, इस तरीके से भी रखा था यूँ उल्टा करके भी, यूँ भी रखा था और यूँ भी रखा था, दोनों तरीके से रख दिया। तो ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, छिपा रहे हैं, यानी कि ये दोनों सेम है, ठीक है। तो कोइंसाइड का मतलब होता है कि एक दोनों तरफ से, एक के ऊपर एक रखने से अगर उसके नीचे वाला छिप जाता है, और दूसरी तरफ से भी अगर, जैसे इसको मैंने इसके ऊपर रख दिया, ये रख दिया, ठीक है, तो ये नीचे वाला इसमें नहीं दिख रहा है, एक ही दिख रहा है। अब मैंने क्या किया, इसको ऊपर वाले को हटा दिया, फिर इसको जो नीचे था उसको ऊपर रख दिया, ठीक है, ये इस तरीके से मैंने रख दिया, इसको दबा करके रख दिया ये। तो अब नीचे वाला जो है वो बिल्कुल नहीं दिख रहा है, तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, जैसे एकदम से रख देते हैं, तो इस चीज़ को हम क्या कहेंगे, कोइंसाइड, जिसके अंदर एक दूसरे को दोनों छिपा देते हैं। इसके ऊपर वापस इसको रख रहा हूँ तो नीचे वाला छिप गया, फिर इसके ऊपर वापस इसको रख रहा हूँ तो नीचे वाला छिप गया, तो इसको दैट इज़ कॉल्ड कोइंसाइड। तो जो चीज़ें कोइंसाइड होती है वो दोनों चीज़ें आपस में क्या होती है, इक्वल होती हैं। द थिंग्स विच आर कोइंसाइड, थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर, यानी एक दूसरे को छिपा देती हैं। ये अभी अपन ने एग्जाम्पल में से इन दोनों चीज़ों के लिए देखा था, द होल इज़ ग्रेटर देन द पार्ट। अब कैसे, 6 + 7 + 2 इज इक्वल टू कितना है, ये आपके 15 है, तो 15 में से जो 2 है वो पूरे 15 से छोटा है, ठीक है। अब जैसे ये ट्राइंगल का पार्ट है, ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का मैं एक छोटा सा पार्ट ले लेता हूँ, ये काटा मैंने, काट करके ये ले लिया, तो अब ये जो टुकड़ा है इसका, ये इस पूरे वाले से जो पूरा था उससे तो हमेशा छोटा ही रहेगा, ये पूरा जो था एक जो था ये इसके बराबर, तो इसके बराबर जो पहले था इससे ये वाला टुकड़ा हमेशा छोटा रहेगा, चाहे ये वाला टुकड़ा हो चाहे ये वाला टुकड़ा हो, ये दोनों टुकड़े इस पूरा जो था पहले उससे हमेशा छोटा रहेगा। जैसे कि 6 + 7 + 2 इज इक्वल टू 15, तो इसमें से जैसे ये पार्ट है 2 हमेशा इस 15 से छोटा रहेगा, 7 टुकड़ा कर लिया तो भी इससे छोटा रहेगा 15 से पूरे से। तो नेक्स्ट देखो 6 वाला, द थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, 6 = 6 है, इन दोनों सेम थिंग्स का मैं डबल कर देता हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कितना आ गया 12, इसका भी 12 आ गया, तो ये दोनों क्या हुए, इसके डबल करने पर ये भी इक्वल हो गए, ठीक है। अब थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, अब जैसे 6 है, ये भी 6 है, 6 और 6 इक्वल हैं, इसको मैं भी 2 से डिवाइड कर देता हूँ, इसको भी 2 से डिवाइड कर देता हूँ, तो कितना आ गया 3, तो दोनों के हाफ भी क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो ये इसके एग्जाम्स हैं, इजी इजी, इन एग्जाम्स को देख लेना है, पढ़ लेना है, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th। तो पहला क्या, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स आर द होल आर इक्वल, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल, थिंग्स विच आर कंसाइड, कंसाइड का मैंने बताया था ट्राइंगल्स को, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर।